टैक्सी जब हम कर रहे थे तो लिटरली हमारा एयरक्राफ्ट ऐसे ऐसे हिल रहा है, और हम अंदर जो बैठे हुए हैं अपनी जगह पे हम ऐसे ऐसे हिल रहे हैं ऐसे। हाय, कि मैं आपको बता पाऊँ कि मेरी ये हालत क्यों हो गई ऐसी, आई विल टेल यू इस वीडियो में। आई नो ये वीडियो वैसी वाली वीडियो नहीं जिसमें मैं उछलती कूदती हुई कूदती फांदती हुई आपके पास आती हूँ और कहती हूँ हाय गुरजीत, नहीं कैसे हैं आप लोग। एम सॉरी बट यू नो वट, आई एम वेरी वेरी टायर्ड एंड आई डेंट हैव दैट एनर्जी टू गो आउट समवेयर, इवन दो वी आर इन अ डिफरेंट सिटी। टुडे वी आर इन चेन्नई, हम चेन्नई में हैं, और बट यहाँ पे मैंने बहुत सोचा था, मैंने बोला यार अच्छा खासा लंबा ले ओवर है, जाएंगे बट इधर जाएंगे उधर जाएंगे, आप लोगों को पक्का मैं कुछ अच्छा दिखाऊंगी, बट ऐसा कुछ हुआ कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर पाती, मतलब मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी ये सब होना हमारी फ्लाइट में, बट हुआ और आपके सामने मैं हूँ एकदम थकी मंदी बंदी यहाँ बैठी है। तो बेसिकली हुआ क्या था जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो रखी है, करती हूँ कि 27 तारीख को हुआ था कुछ ऐसा कि बाकी लोग भी तहस नहस हो गए थे, नहीं तहस नहस नहीं हुए थे, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब न्यूज़ एंकर वाली उस फॉर्म में आ गई थी कि मतलब यू नो कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया था मैंने, बट हाँ तहस नहस यार हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि पता क्या होता है ऐसे माहौल में अगर हम फ्लाई करते हैं तो कुछ भी होने के चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस यू नो इवन टू फ्लाई इन दैट कंडीशन। तो आप लोग को पता हो तो 27 मतलब आज हुई थी बहुत ही ज़्यादा गंदी थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, बारिश और पता नहीं क्या क्या आंधी वांधी आई थी, और उस टाइम पे हम लोग एयरक्राफ्ट में थे, हम टेक ऑफ करने से पहले ही मतलब हम जब कैब में थे ना तब मैंने देखा था लाइटनिंग हुई, ओ माई गॉड जो देखने वाली लाइटनिंग थी ना वो, क्या टैक्सी जब हम कर रहे थे तो लिटरली हमारा एयरक्राफ्ट ऐसे ऐसे हिल रहा है, और हम अंदर जो बैठे हुए हैं अपनी जगह पे हम ऐसे ऐसे हिल रहे हैं ऐसे, लिटरली ऐसे हो रहा था ठीक है। टैक्सी करते हुए समझो जब हम टैक्सी कर रहे हैं, आप सबको पता ही होगा टैक्सी मतलब कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप गाड़ी है आपने पार्क करी हुई है आप उसको पीछे बैक ले जा रहे हो या ठीक है या फिर कोई भी मोड़ के आप वहाँ लेके जा रहे हो जहाँ से आप जाओगे है ना, वैसे ही एयरक्राफ्ट को हम लेके जा रहे थे जहाँ से हमें टेक ऑफ करना था। तो वो जो रास्ते में हम चल रहे हैं एकदम सीधा सीधा और पूरा लिटरली एयरक्राफ्ट ऐसे 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 हिल रहा है, तो सारे लोग ऐसे हो गए थे कि मतलब यार ये हो क्या रहा है, और हम भी ऐसे थे कि हो क्या रहा है। फिर जब हमने बाहर देखा तो ये सब चल रहा था बाहर, मतलब आंधी तूफान मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें उड़ रही हैं, एंड लिटरली उसके बाद कैप्टन आया उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि भाई बाहर तो अलग ही माहौल रखा है एंड वी हैव टू वेट एंड मे बी वी हैव टू गो बैक टू द बे जहाँ से हम आए हैं, वहीं पर जाके हमें वापस जाना पड़ेगा, मे बी डोर भी खुल सकता है कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी क्लियरेंस नहीं मिल रही है। तो भाई उसके बाद जो 2 घंटे का डिले हुआ है, हमने लिटरली 2 घंटे और उसके कुछ यू नो मिनट्स का ऐसे कुछ डिले हुआ और हम लोग वहीं बैठे थे, तो हमारे लिए भी ऐसा नहीं है टायरिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे हम खुद सोच के आए होते हैं कि हमने 3 सेक्टर करना है कि हम यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे उसके बाद वापस आएंगे ठीक है, हमारा भी एक माइंडसेट होता है उस हिसाब से अपना, हम भी रेस्ट लेके आते हैं ठीक है, अर्ली मॉर्निंग हम कितनी जल्दी उठते हैं, और फिर उसके बाद जब डिले होता तो यार ऐसा नहीं है कि मुझे पता है आप लोग सारे ऐसे होते हो पैसेंजर सारे कि भाई मतलब डिले हो गया ये है वो है, बट एट द सेम टाइम आई नो कि वी आर द एम्प्लॉयज ऑफ दैट कंपनी कि ठीक है हमको तो भाई झेलना है वो चीज़, बट स्टिल हमारे लिए भी वो चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है और हमारे को भी वो इफेक्ट करती है, बिकॉज हम लोग भी यार मतलब हमारा भी तो रेस्ट पूरा नहीं होता ना उस टाइम पे, तो इसीलिए और बात के भी हमारे प्लान्स ख़राब हो जाते हैं ऐसे जैसे कि हमारे हुए जो हमने सोचा था कि हम चेन्नई जाके घूमेंगे फिरेंगे यू नो नाचेंगे आएंगे जो कि नहीं हो पाए। तो ये आपको पीछे का बैकग्राउंड अलग लग रहा होगा बिकॉज आई एम नॉट इन चेन्नई आई एम इन बैंगलोर, मैंने देखा कि भाई मैं बात पूरी नहीं कर पाई थी इसलिए आपको मेरी शक्ल थोड़ी सी है ना देखने लायक लग, इसलिए मैं सब बहुत ज़्यादा लो फील करी थी बिकॉज यार जो फ्लाइट्स हम करके आए थे पहले ही इतनी हेटिक थी उसके बाद इतना डिले ये वो, जहाँ हमने यू नो 2 बजे पहुंच जाना था होटल में वहीं हम 4:30 के बाद होटल पहुंचे हैं मतलब उसके भी बाद, तो मतलब हाँ हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा हेक्टिक हो गया था, और मैं तो पता नहीं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी और मेरा मन भी नहीं कर रहा था पता नहीं बाहर जाने का, यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मन ही नहीं करता मतलब कुछ करने का, तो मैं वैसी हो रखी थी इसलिए
मैं आप लोग को मैंने कहा यार सबको शेयर करती हूँ तो ये भी शेयर करूँ मैं आपसे, इसलिए मेरा मुंह ऐसा बना हुआ था। बट हाँ, मैंने पूरा रेस्ट रेस्ट लिया और अब आपके सामने मैं ऐसे यू नो रहती हूँ। और आज हम घूमे फिरे भी हैं तो मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे घूम फिर के थोड़ा अच्छा फील होता है। तो यही बात थी यार, इसीलिए हम लोग कहीं नहीं जा पाए चेन्नई में। और रेस्ट लेने के बाद अच्छे से मैं यहाँ पे बैंगलोर में हम लोग घूमने गए थे, तो मैंने कहा यार वो सब चीज़ें भी आपसे शेयर। उस दिन 27 को बहुत ही गंदा जो थंडरस्टॉर्म और ये सब आया था, तो यही होता है कि हम भी फ्लाई नहीं कर सकते हैं उस टाइम पे। अगर इतना गंदा बाहर थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो आपको लगता है कि भाई एयरक्राफ्ट ऊपर जा सकते हैं नहीं, राइट? बट हाँ, वो बहुत फनी चीज़ थी, बिकॉज बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे उन्होंने काफ़ी हंसाया अपनी बातें करके। जैसे कि एक बंदा कह रहा था कि हम टैक्सी कर रहे हैं, और बिकॉज मैंने आपको बताया एयरक्राफ्ट हिल रहा था, तो वो कहता अपने फ्रेंड को, वो कॉल पे था नहीं, बस सेइंग कि यू नो व्हाट, बहुत ही गंदा टर्बुलेंस हो रहा है, हम जा रहे हैं। तो जो हमारी हंसी छुट्टी है उसका मीनिंग ये है एक्चुअली कि टर्बुलेंस, अगर आपको पता हो तो वो होता है जब एयरक्राफ्ट होता है मिड एयर। और टर्बुलेंस क्यों होता है? बिकॉज टर्बुलेंस तब होता है जब एयरक्राफ्ट जाता है बादलों में, लेकिन हम उस टाइम पे ऑन ग्राउंड थे। तो हो जाता है कभी कभी, ऐसे और लोग भी हमें मिले तो हमें बहुत, हमें खुशी हुई कि मतलब वो आए पीछे और हमसे बात करी, तो हमें काफ़ी, हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है ऐसी बातों में। ऐसी बात नहीं है तो मज़े आए ऑन एंड ऑन, बट हाँ काफ़ी थक गए थे हम, इसलिए हम कहीं नहीं जा पाए। ऑल्दो मेरे क्रू गए थे, बाकी के दो जने ही, बाकी लोग नहीं गए, मैं नहीं गई। इसलिए भाई बंधुओं ने पहले से ही मेरे लिए ऑर्डर करके रखा हुआ था, ये वो लोग हाई कहना चाहेंगे आप लोग। चाय चाहिए, कॉफी चाहिए? नहीं, मैं नहीं पीती। हाय बोलोगे? इनकी बदौलत मैं नीचे आ पाई हूँ, मेरे पास शर्ट नहीं थी, मैंने लॉन्ड्री में दे दी थी, तो मुझे इन्होंने शर्ट दी है, तो मैं आ पाई हूँ नीचे। वीडियो भी कैसी आई है? बढ़िया, एकदम सुंदर आई है, सुंदर। सुबह स्मार पैनकेक, ओके थैंक यू। सो गए तो पैनकेक ऑल्सो, फटाफट से खाते हैं और फिर जाते हैं। उधर देखो। भाई ये देख लो, बंटी के रिश्तेदार तभी लोगों को पता है बंटी का साबुन बहुत स्लो है। ये दीदियां बन चुकी, हम दीदियां और ये रिश्तेदार है उनके। वेल, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फटाफट से ऊपर गए, रेस्ट करा, और थे हमारे 3 सेक्टर चेन्नई से, इसीलिए हमने अच्छे से रेस्ट किया ताकि हम वो सेक्टर्स ऑपरेट कर सकें अच्छे से, फुली रेस्टेड होके। और इसीलिए आपको जो ये नेक्स्ट क्लिप दिखी थी यूनिफॉर्म वाली, वो हम लोग पहुँच गए हैं बैंगलोर। बैंगलोर में मस्ती कर रहे हैं बिकॉज एवरीबडी वॉज फुली रेस्टेड, हम सब ने रेस्ट किया था अच्छे से, इसीलिए हम लोग मस्ती वाले मूड में हैं। और अब नेक्स्ट, कल सुबह उठेंगे तो कहीं पर घूमने ज़रूर जाएंगे, और वो व्लॉग नेक्स्ट डे आ जाएगा, मतलब कल मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है? तो अगर ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो और आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट लगी हो इसके बारे में कि भाई एयरक्राफ्ट फ्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर डालना, ताकि नेक्स्ट व्लॉग और आते रहें। सो अभी के लिए बाय फॉर नाउ।